मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा, आज की हमारी क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम था महाराज सूरजमल विजयती। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों को तो देखते हैं। इस प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला के अंतर्गत पहले प्रश्न को, जिसके निर्देश को जानते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत जो हमारा पहला प्रश्न है, महाराजस्य सूरजमल्लस्य अन्यत नाम आसी, अर्थात महाराज सूरजमल का दूसरा नाम था, तो इसके अंतर्गत आपका आंसर होगा आ सुजान सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, महाराज सूरजमल्ले आसी, महाराज सूरजमल थे, तो इसका आपका आंसर होगा ए जाट राजा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, सूदन कवे सूरजमल विषयकम काव्यम अस्ति, तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वह होगा ई सुजान चरितम। नेक्स्ट है वंश भास्कर इति ख्यातस्य ग्रंथस्य रचनाकारो अस्ति, वंश भास्कर इस ग्रंथ के रचनाकार है, इसका आंसर आपका होगा आ सूर्य मल मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, सूरज मल्लस्य काले अस्ति, इसका राइट आंसर होगा आपका ई अष्टादश शताब्द है ईस्वी, अर्थात 18वीं शताब्दी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, धर्मयाद ही युद्धात् श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते इति वचनम अस्ति, अर्थात इसका आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए श्रीमद् भगवत गीतायाम, यानी कि ये वचन जो है वह कहाँ कहा गया था, श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत कहा गया। तो इसका मतलब आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो आंसर होंगे वह है क्रमशः सज्जन सिंह, सुजान सिंह, जाट राजा, नेक्स्ट है सुजान चरितम, नेक्स्ट सूर्यमल मिश्रण, नेक्स्ट अष्टादश शताब्देश्वी, नेक्स्ट श्रीमद् भगवत गीता है। अब देखते हैं हमारे प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत लघुत्रात्मक प्रश्नों को। तो यहाँ पर लघुत्रात्मक प्रश्नों के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं उनकी भाषा जो है वह संस्कृत है, तो आपको भी इन्हीं प्रश्नों के जो आंसर है वह संस्कृत भाषा में ही देने होंगे। यहाँ पर यह एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि आंसर आपको एक पद के अंतर्गत देना है या पूर्ण वाक्य के अंतर्गत देना है, सिर्फ निर्देश दिया गया है लघुत्रात्मक प्रश्न, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका आंसर किस प्रकार से दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे एक पद में या प्रश्न को साथ लेते हुए पूर्ण वाक्य के अंतर्गत भी दे सकते हैं। तो देखिए प्रश्न एक की बात करें, महाराज सूरजमल से पितु नाम किम आशी, महाराज सूरजमल के पिताजी का नाम क्या था, तो यहां पर मैं आपको इसका जो राइट आंसर है वो लिख रहा हूं बदन सिंह है। महाराज सूरजमल के पिताजी का नाम था बदन सिंह है। अगर हम इस उत्तर को हम पूर्ण वाक्य में देना चाहें तो हम लिख सकते हैं महाराज सूरज मल्लस्य पितु नाम, अभी जो किम दिया गया था इसकी जगह हम लिख देंगे बदन सिंह आशी, अर्थात महाराज सूरजमल के पिताजी का नाम बदन सिंह था, या फिर हम इसे ओनली फॉर जो इसका राइट आंसर है बदन सिंह है यह भी हम लिख सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत क्या पूछा गया है, जाट प्लेटो कह कथ्यते, अर्थात जाट प्लेटो कौन कहलाता है, तो इसका मैं आपके सामने राइट आंसर लिख रहा हूं जाट प्लेटो, आपने पुस्तक में जब ये चैप्टर पढ़ा था महाराज सूरजमल को ही क्या कहा गया था, जाट प्लेटो कहा गया था, तो महाराज सूरजमल है। अगर आप इस उत्तर को पूर्ण वाक्य में देना चाहते हैं तो प्रश्न को साथ लेते हुए आप इसका आंसर दे सकते हैं,
देखिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। सूरज मल्ल से औपचारिक शिक्षा विषय भवन्ते किम जानन्ति, अर्थात सूरजमल की औपचारिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो महाराज सूरजमल थे उनकी औपचारिक जो शिक्षा हुई थी उसके विषय में आप क्या जानते हैं। तो आप जो इसका उत्तर है वह लिखेंगे, औपचारिक शिक्षा, प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वह होगा औपचारिक शिक्षा रहितो अपि सूरजमल महान योद्धा नीतिज्ञ अर्थशास्त्रज्ञ राजनीति निपुण है, नेक्स्ट राजवश्य है, राजवश्य नागरिक न्यायस्य है, चेत वंदे निपुण आसी। देखिए इसने आपसे प्रश्न पूछा कि सूरजमल की औपचारिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं। तो औपचारिक शिक्षा के विषय में हम ये चीज जानते हैं, औपचारिक शिक्षा रहित तो अपि, यानी कि औपचारिक शिक्षा से रहित होते हुए भी सूरजमल महान योद्धा नीति निपुण अर्थशास्त्र के ज्ञाता राजनीति में निपुण और राज्य के लिए नागरिक न्याय का प्रबंध करने में निपुण थे। तो ये इनकी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी फिर भी ये इतने सारे कार्यों के अंतर्गत कैसे थे, निपुण थे, प्रवीण थे, दक्ष थे, कुशल थे, ये आप कह सकते हैं। आप आगे बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4, सुजान चरित काव्ये सूरजमल्लस्य कति युद्धानां वर्णनम् उपलभ्यते। सुजान चरित काव्य में सूरजमल के कितने युद्धों का वर्णन उपलब्ध है या किया गया है। तो देखिए आपने पढ़ा था उनके द्वारा किए गए 7 युद्धों का वर्णन है, तो इसके प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वह होगा सप्त युद्धानाम, सप्त युद्धानाम। तो वहां पर 7 युद्धों का वर्णन किया गया है। देखते हैं इस श्रृंखला के नेक्स्ट प्रश्न को, प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा गया है इसके अंतर्गत।
इसमें उन्होंने पूछा सूरजमल से जन्म कदा है, सूरजमल का जन्म कब हुआ, यह आपके पाठ प्रारंभ के प्रारंभ में ही दिया हुआ है। तो इसमें मैं आपको जो इसका राइट आंसर है वो लिख रहा हूं, वसंत पंचम्याम तेरह फरवरी सत्रह सौ सात तमे ईस्वीय वर्ष से प्रारंभ में दिया गया है। इसका तात्पर्य होता है कि वसंत पंचमी को 13 फरवरी 1707 ईस्वी वर्ष में, यदि आप इसको पूर्ण वाक्य में आंसर को देना चाहते हैं तो आप लिखेंगे सूरज मल्लस्य जन्म वसंत पंचम्या, यानी कि कदा की जगह आप क्या करेंगे, लिखेंगे वसंत पंचम्या 13 फरवरी 1707 तमे ईस्वी वर्ष से अभवत, आपको ये कदा की जगह यह आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 6, सूरज मल्लस्य मृत्यु कदा कथम च अभवत, सूरजमल की मृत्यु कब और कैसे हुई। महाराज ये आपको चैप्टर के अंत में मिलेगा, तो यहां पर आप लिखेंगे सूरज मल्लस्य मृत्यु युद्धमान है सूरज मल्लस्य मृत्यु युद्धमान है रणे चाभिमुख है, रणे चाभिमुख है पच्चीस दिसंबर 1763 ईस्वी वर्ष से। यानी कि सूरजमल की मृत्यु युद्ध करते हुए 25 दिसंबर 1763 ईस्वी वर्ष को हुई। उसने पूछा कहां और कब और कैसे हुई, कब हुई 25 दिसंबर 1763 को हुई और कैसे हुई, युद्ध अभिरत है, युद्ध माने अभिरत है, युद्ध को लड़ते हुए। क्लियर, तो बेटा आपको निबंधात्मक प्रश्न नहीं करने हैं, ये थे आपके चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर्स। इन आज का आपका जो होमवर्क है, ये जो भी प्रश्न मैंने आपको कराए हैं ये आपको आपकी संस्कृत की नोटबुक के अंतर्गत नीट एंड क्लीन रूप से करने हैं और साथ ही साथ इन्हें लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।